नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। हमारे द्वारा दोस्तों लगातार इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है मॉडल पेपर की, इसके अलावा रिवीजन क्लासेस की भी सीरीज़ लगातार चलाई जा रही है। आशा करते हैं यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें हमने 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट किए हैं, तो इन पूरे 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जरा आपको 3 सेकंड में देता हूँ, इसका राइट आंसर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑफ कोर्स ए वाला, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है ना, जो अंतर्दर्शन विधि होती है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी आत्मनिष्ठ या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव मैथड इसको बोला जाता है। अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप आत्मविश्लेषण के माध्यम से स्वयं के व्यवहार का अवलोकन जब करते हैं तो उसी को अंतर्दर्शन बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, व्यक्ति परक विधि होती है। तो इसका जो डेटा होता है ना, वो विश्वसनीय होता है और मान्य नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो जांचकर्ता होता है वो अपनी भावनाओं को देखता है, तो वो क्या हो सकता है, व्यक्ति परक और पक्षपाती भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या है, सबसे ज़्यादा आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। ठीक, तो आप दोस्तों बताइए कि विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन सा ग्रुप करता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मौका दे रहा हूं मैं। पिछले वीडियो में क्या हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी बता रहे थे, तो कुछ बच्चों की थोड़ा सा बीच में डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा हल्के बताइए, थोड़ा हमको समय दीजिए, हमको समय नहीं मिल पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको आज पूरा समय मिलेगा, आप इसको सोच विचार के इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो जो इसके आयाम है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास के आयाम है ना, तो ये आपके आप आसानी से इसका आंसर दोस्तों दे सकते हैं। कोई ऐसा टिपिकल ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूर्व परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा का हमेशा क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। इसके अलावा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, गलत। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती दोस्तों, वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल है। ठीक है, तो विकास दोस्तों खाली एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि आपकी जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। विकास में केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं होती है, इसके अलावा इसमें जैसे कि हमने पढ़ा ना, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, यानी कि सभी तरह के परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि आपके गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग को क्या कहते हैं? तनाव करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है, क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 4 सेकंड सोचिए, आप सभी को समय दे रहा हूं मैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रक्षात्मक यांत्रिकता। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत
ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। तो उनके द्वारा दोस्तों ये बताया गया कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जो एक रक्षा तंत्र है, ये आपका जो इड का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन होता है, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों और बाहरी तनावों से संबंधित चिंता, विचारों, भावनाओं से बचाने का कार्य करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा, और ये आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइको एनालिटिकल थ्योरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की हमेशा संभावना दोस्तों रहेगी वहाँ पर। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, अचेतन, यानी कि जो आपका इड मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दोस्तों दी गई? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी या फिर स्किनर? तो आपके लिए 2 सेकंड का समय है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? ये होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जो इनसाइट थ्योरी है दोस्तों वो कोहलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनको गेस्टाल्टवादी बोला जाता है। इनकी जो पुस्तक थी, इसका ध्यान रख देना आप, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कभी पूछा जा सकता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई थी कोहलर के द्वारा 1959 में। ठीक, तो जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है दोस्तों वो क्या करता है, आकार की पूर्णता को महत्व इसमें दिया जाता है। इसमें विभिन्न अंगों पर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि अंगों के सापेक्ष हमेशा बड़े भाग को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले क्या होगा, बड़ी चीज को देखेगा, उसके बाद उसका छोटे छोटे अंगों की ओर ध्यान जाता है। ठीक, जैसे कि बच्चे के सामने अगर आप हाथी को रखेंगे तो सबसे पहले वो बड़ा आकार देखेगा, बाद में उसका ध्यान जाएगा कि भाई हाँ इसकी सूंड भी है, इसके दांत भी हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कि जो मनुष्य है वो अगर सीखना चाहता है तो वो उसके लिए अपनी सूझ का प्रयोग करता है। किसी भी समस्या को समाधान के लिए वो अपनी सूझ का प्रयोग करता है, जैसे कि इसने प्रयोग किया था वनमानुष पे। वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि भाई एक कमरे में इन्होंने केले लटकाए थे, और फिर उसके बाद जब बंदर ने देखा कि भाई वहाँ पर कुछ बॉक्स पड़े हैं, तो बॉक्स को वह एक के बाद एक रखते चला गया और उसने वो केले प्राप्त कर लिए। तो कहीं ना कहीं उसने क्या की, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है, तो ये है गेस्टाल्टवादी विचारधारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका जवाब दीजिएगा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता? तो आप बताइए किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? वो होगी दोस्तों उसकी आज्ञाकारिता, यानी कि ओबीडियंस, है ना। एक शिक्षक होने के नाते आप एक विद्यार्थी से क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि वो ओबीडेंट बने, आज्ञाकारिता बने, यानी कि आप जो उसको आज्ञा दे उसका वो पालन करे। ठीक है, तो ओबीडेंस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसी भी छात्र की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर मनोलैंगिक विकास? तो फिर से आपके पास 2 सेकंड है, आंसर दे दीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो अल्बर्ट बंडूरा किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो हैं आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड हैं। इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया था। देखिए, इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति है वो अवलोकन, नकल या फिर हम कह सकते हैं आदर्श व्यवहार के मॉडल के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है ना, जैसे
नकल हो गया, या फिर आपका जो आदर्श, एक व्यक्ति को कैसा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, तो उसके मॉडल हैं, यानी कि उसके प्रतिमान बने हुए हैं, तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो जो समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और जो समाज में एक्सेप्टेड व्यवहार नहीं है उनको नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से दोस्तों संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिक या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको फिर से मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, हमने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, जो आपकी सूचना प्रक्रियाकरण होती है उससे दोस्तों ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था डेविड आसुबेल, आप इसको ध्यान में रखना, आसुबेल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका सीखने का एक प्रतिमान है और ये आपका आगमन सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, एक होता है आगमन सिद्धांत और एक होता है निगमन सिद्धांत, तो ये निगमन सिद्धांत के क्या होता है, विरुद्ध होता है। ठीक, तो इसमें जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न सूचनाओं में वर्गीकरण और संबंध स्थापित कर स्वयं निष्कर्ष निकालता है। ठीक, तो ये आपका क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो सोचिए, फिर से आपको 3 सेकंड में दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, कर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उनको गतिशीलता बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसको समूह गतिशीलता भी आप कह सकते हैं। तो जो समूह गति की संप्रत्यय यानी कि इस कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादन है वो कर्ट लेविन के द्वारा किया गया था 1945 में। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सिद्धांत है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और जो ये कॉन्सेप्ट है इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, समूह गतिशीलता का नियम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो समूह गतिशीलता भी करके आप याद रखना किसके द्वारा दिया गया था, कर्ट लेविन के द्वारा 1945 में। इसके बाद आ गया भैया एनालिटिकल क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। सह पाठ्येतर मतलब जो हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ जो हम गतिविधियां करते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। ठीक, तो इसके ऑप्शन देखिए, ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, ये शुल्क लेने में को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, या फिर ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। तो भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर से 2 सेकंड आपको दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी क्यों रखते हैं, ये बिल्कुल इसलिए रखते हैं क्योंकि ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, जिसकी हमने बात करी ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। अब बच्चा सिर्फ पढ़ता रहेगा तो उससे उसका सिर्फ क्या होगा, मानसिक विकास तो होगा ना, बाकी विकास का क्या। तो शारीरिक विकास भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए, संवेगात्मक विकास भी चाहिए, तो भाई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी इन विकास में सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एरिक्सन, फ्रॉयड, कोहलर या फिर वॉटसन। तो फिर से आपके पास 3 सेकंड हैं, राइट आंसर दे दीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने बताया है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, एरिक्सन। ठीक, तो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका ये मानना है दोस्तों कि जो पूरा जीवन विकास है वो 8 चरणों से होकर जाता है और प्रत्येक चरण में एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट नॉर्म्स होते हैं, यानी कि विशिष्ट विकासात्मक मानक होते हैं जिनको पूरा करने में आने वाली समस्याओं को समाधान करना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि आपके हर चरण में कुछ नॉर्म्स होंगे और जब आप
उन समस्याओं जो आपके उस चरण में समस्या आएंगी, जब आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वो चरण पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि जो समस्या है वो कोई एक तरीके का संकट नहीं है, बल्कि ये आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है, ये आपकी सामर्थ्यता को बढ़ाती है, यानी कि आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समस्याएं आना भी ज़रूरी है, उसी से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, इस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फिर से आपको मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच के इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के संग कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कहलाता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है ना, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या फिर इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि दोस्तों वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, कभी पूछा जाएगा तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना, तो जो वाइगोट्स्की है ये मानते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य की, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसे कठिन कार्य से होता है इसका मतलब दोस्तों, कि जिसे वो अकेले नहीं कर सकता, लेकिन वो अन्य वयस्क या फिर जो सहयोगी हैं उनकी मदद से उसको किया जा सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे वाइगट्स की है, उनका ये मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक तरह से इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। ठीक, जिसमें बच्चे की वास्तविक विकास की दर, वास्तविक विकास का दर का को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जहाँ वे बिना किसी मदद के अपने कार्य को कर लेते हैं, माना वो लेवल ये है। ठीक है, और एक होता है संभाव्य विकास की दर, यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वो जिसे वे सार्थक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है ना, जैसे एक बच्चा होता है वो स्वयं सवालों को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा वास्तविक विकास की दर तो वो है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई बच्चे तुम में ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है, एक गाइडेंस की उसका आवश्यकता होती है, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एक एस्पेक्ट है जो कभी इससे पूछा जा सकता है, आपसे सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है कि भाई समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसको बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगेन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार जो आपका निगमनात्मक तर्क है वो किस अवधि में विकसित होता है, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब आप बताइए, 3 सेकंड आपके पास हैं, इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, 11 वर्ष से 15 वर्ष वैसे कह सकते हैं। ठीक,
इसी में दोस्तों आपका क्या होता है, तर्क का अनुप्रयोग करना सीखता है बच्चा, निष्कर्ष निकालना सीखता है, अमूर्त चिंतन करना सीखता है, यानी कि किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप में कर सकता है, इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन भी आपका विकसित होता है। ठीक है, इसमें जैसे आपकी ये ध्यान में रखना, जैसे कि संवेदी चालक अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, स्थो संक्रियात्मक होती है 7 से 11, और फिर उसके बाद क्या आएगी 11 वर्ष से अधिक, यानी कि औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सारे फैक्ट्स आप दोस्तों याद करके जाना अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जब आप शिक्षण से ज़्यादा अधिगम पर बल देते हैं तो वो वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने के प्रोत्साहित करके, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो भाई आप बताइए कि भाई अधिगम पर बल देने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, आपको क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, जिसमें हम शिक्षण की बजाय अधिगम पर ज़्यादा बल देंगे, हम पढ़ाने की बजाय सिखाने पर ज़्यादा बल देंगे। ठीक है ना, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन उसने कितना सीखा यानी कि अधिगम कितना हुआ उस पर हम ज़्यादा बल देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। विद्यालय को बालक में ना जाना, विद्यालय बालक का विद्यालय में प्रवेश ना होना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, अवरोधन का मतलब ये होता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। शिक्षा में अव्यय और अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय में तो क्या होगा दोस्तों कि बच्चा स्कूल ही छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि उस पर जो खर्च किया उसके माँ बाप ने, सरकार ने उसको शिक्षा दिलाने के लिए, तो वो वेस्ट हो गया। ठीक, और अवरोधन का मतलब ये है कि वो उसी क्लास में फेल हो गया, तो उसने 1 साल से ज़्यादा समय बिता दिया, तो वो क्या कहलाएगा, अवरोधन कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। हमने क्वेश्चंस पहले भी कराया है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बौद्धिक आयु से ये व्युत्क्रमी संबंधित है, कालक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या फिर बौद्धिक व कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप थोड़ा सा सोच विचार करिए, क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर है सी वाला, इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आईक्यू है वो मेंटल एज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जबकि आईक्यू क्रोनोलॉजिकल एज से, यानी कि जो आपकी कालक्रमिक आयु से है, उससे व्युत्क्रमित संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो कालक्रमिक आयु है यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आपकी जब क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ेगी तो आपका आईक्यू कम होता चला जाएगा, और मेंटल एज और ये आपके डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये बताता है कि मेंटल एज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आईक्यू आपका होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 3 सेकंड का समय है, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवा दिया है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं दूंगा समय। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का ये सिद्धांत बल देता है। भाई हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो ये बताता है कि भाई बुद्धि का स्वरूप सिंगुलर ना होके प्लूरल होता है, यानी कि बहुकारकीय होता है, एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, कई सारे फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो गार्डनर है उसने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, लेकिन 1998 में इन्होंने 8वें प्रकार की बुद्धि बताई और 2000 में इन्होंने 9वें प्रकार की बुद्धि बताई। तो इस प्रकार 9 प्रकार की बुद्धि है, जिसमें आती है जैसे भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, और इसके अलावा जैसे कि आपकी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि,
और प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सब याद करके चले जाना। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से बहुत अच्छा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है, इदम अहम, परम अहम या फिर इदम एवं अहम। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी को आता होगा और सभी राइट आंसर दे भी रहे हैं, तो इसका आंसर है इदम, यानी कि इड। भाई जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह इड कहलाता है, यानी कि जो आपका अचेतन मस्तिष्क होता है, यानी कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, वही आपका क्या होता है, वो इच्छाओं को रखता है जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाई श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना और या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो भाई क्या होना चाहिए राइट आंसर, सभी को पता है बी वाला ऑप्शन, लेखन स्पष्टता इसमें होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, TAT, साइमन होल्ट्जमैन, मरे, बैलक। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है मरे, मरे के द्वारा ये परीक्षण का निर्माण किया गया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों इन्होंने इसका निर्माण किया था, बाद में इन्होंने मॉर्गन के साथ मिलकर इसमें आवश्यक संशोधन किए थे, ठीक है ना। ये दोस्तों किसकी विधि है, किसके मापन की विधि है, पर्सनैलिटी को मेजर करती है विधि, व्यक्तित्व मापन की विधि है, ध्यान रखना। कैसी विधि है, प्रक्षेपी विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपके 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, 30 में चित्र बने होते हैं और एक में कोई भी चित्र नहीं बना होता है, कार्ड सादा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से एनालिटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए अब आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है, बताइए किसकी सहायता की आवश्यकता है, इमोशनल एरिया में यानी कि भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन और कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सोच के बताइए, ABCD। तो इसका राइट आंसर है भावात्मक क्षेत्र में इसको सहायता की आवश्यकता है, इमोशनल एरिया में इसको आवश्यकता है। ये एक तरह से कैसा बच्चा है दोस्तों, ये समस्यात्मक बच्चा है। तो समस्यात्मक बच्चों को आपके भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो आप बता दीजिए भाई, सभी जानते हैं क्या इसका राइट आंसर है, वेरी गुड, सभी सही दे रहे हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो बताइए, फिर से आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमेजिनेशन। तो क्या होगा, आप सिंपली सभी लोग जानते हैं, व्यवहारिक रूप में भी हम ऐसा करते हैं, क्या होगा राइट आंसर, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन, ठीक। किसी भी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी स्थिति के बारे में हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को हम अर्थ प्रदान कर देते हैं, उसी को परसेप्शन बोला जाता है। जैसे हम कभी किसी इंटरव्यू के बारे में, हमारा कोई एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम परसेप्शन बना लेते हैं, हमारी कोई भी स्थिति है हम उसके बारे में पहले से ही क्या कर देते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई ऐसा होगा। या अगर हम BEd क्लास में जाते हैं पढ़ने, तो हम पहले से ही वहाँ के टीचर्स के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा पढ़ाते होंगे। तो वो आपका क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ही आपका क्या है, परसेप्शन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं कौन होंगे बताइए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर पुरस्कार, दंड और
प्रोत्साहन। तो आप जहाँ पर बात हो रही आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक की, तो भाई क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, यही आपके क्या होते हैं, अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं, ठीक है। अब उद्दीपक है, वस्तु है, प्रविधि है, ये आंतरिक कहाँ से हो गए? ये तो बाह्य हो गए ना। इसके बाद प्रकाश, ध्वनि, गंध, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन, ये भी दोस्तों बाह्य। तो कहने का मतलब है कि अवधान के जो आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ जो आपके अंदर होते हैं, वो बहुत सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हैं, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक। इसके बाद अगेन एक और क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या हो सकती है बताइए? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। अब भाई आपका जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपका किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर है रुचि। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि अभिवृत्ति पर आधारित है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है? एक भावात्मक प्रकृति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति के अभिभूत या अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया है। एटीट्यूड क्या है दोस्तों आपका? एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में व्यक्त होती है। एटीट्यूड हमें, मैंने आपको बताया था ना कि एटीट्यूड का मतलब क्या है, कि कई किसी वस्तु ना किसी आपकी परिस्थिति के प्रति आपकी क्या है, किस तरह की आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप किस तरह की प्रतिक्रिया करते हो, वही आपकी क्या कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाती है। यानी कि आपका एटीट्यूड है, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति, जो आपका दृष्टिकोण है वही आपकी क्या है, अभिवृत्ति है, ठीक। और अभिवृत्ति आपकी क्या हो सकती है? ऑफकोर्स दो प्रकार की हो सकती है, या तो आप उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे या फिर आप उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। तो पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, तो वो है आपकी अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क, मैथड ऑफ इंडक्शन या फिर इंडक्टिव रीजनिंग के स्तर में कौन शामिल नहीं होगा? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यकरण या फिर कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सोचिए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला, यानी कि कल्पना, ठीक है ना। जैसे कि आप मेथड ऑफ इंडक्शन अपनाते हैं, मेथड ऑफ इंडक्शन में आप दोस्तों क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर को जाते हैं, है ना। तो आपको दोस्तों यही तो करना है ना, कि इंडक्टिव रीजनिंग में आपका क्या होगा कि भाई आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, आप उनका अवलोकन करेंगे, आप उनका प्रयोग करेंगे और देन उसके बाद आप उसका सामान्यकरण करेंगे, यानी कि आप नियम बनाएंगे। जबकि मेथड ऑफ डिडक्शन यानी इनिगमा उसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें आपको क्या होता है कि पहले नियम दिया जाता है, सामान्यकरण पहले कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एक उदाहरण की ओर को बढ़ते हैं। पहले आपको नियम दिया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको मैं समय दे रहा हूँ 2 सेकंड का, जल्दी से इसको करिए, समय बहुत हो गया है। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसके अंतर्गत निहित है दोस्तों सोचिए। 3 सेकंड का समय है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, समस्या समाधान या फिर एक विचारात्मक प्रक्रिया। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है विचारात्मक प्रक्रिया, ठीक है। विचारात्मक प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस का है, तो दोस्तों ये पार्ट है ना, प्रतिबिंब हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सब किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये आपकी दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, थिंकिंग प्रोसेस के ये अंदर आते हैं। इसके बाद अगला वेरी फेमस स्टेटमेंट, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, कथन किसका है? आई होप कि आप में से सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों ने बीएड में डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी। क्या राइट आंसर है? स्टेनले हॉल, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है, आपको बताना है, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या फिर CCE। तो क्या राइट आंसर है बताइए, 3 सेकंड का समय है, इसका राइट आंसर है मानक। मानक कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट है, तो ए वाला करेक्ट है, मानक निर्माणात्मक होता है, नॉर्मल निर्माणात्मक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक सजमेटिव असेसमेंट, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक, तो ये सभी आपके मूल्यांकन के प्रकार है, पहला वाला नहीं है, ठीक। अब दोस्तों आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, दोस्तों काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि काफ़ी बच्चे अप्रिशिएट ही करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर रिपीट हो रहे क्वेश्चन, अरे यार ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में क्लास में रिपीट नहीं होंगे क्या क्वेश्चन, कैसी बात करते हो यार, ना तो ऐसा मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि इनके लिए चाहे कुछ भी करो, मतलब इधर से करो तो वो चीज़ गलत है, उधर से करो तो वो चीज़ गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में तो क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, उसमें तो भाई कैसे मैं क्या करूँ भाई, कहाँ से क्वेश्चंस बना के लेके आऊँ। मेरी कोशिश ये है कि आपको हमेशा यूनिक और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएँ, लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही ना, अब रिपीट तो होंगे तो और भी अच्छी बात है, तो उससे आपका क्या होगा कि भाई ज्ञान को स्थायी रखने में मदद मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं हमेशा नए क्वेश्चंस लेकर आ जाऊं, कोशिश रहती है कि पूरा नए लेकर आएं। और फिर इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि आपको जब बल्क में आप क्वेश्चन कराते हैं 50-60, तो फिर उसमें क्या होता है ना कि रिपीटेशन होने की संभावनाएँ रहती हैं और उसमें गलती भी होने की संभावना हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप माइंड मत करिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बच्चे ऐसी बात करते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मैं क्या करूँ यार, अब इसमें भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, अब रिवीजन हो रहा है तो भाई रिपीट तो होंगे ही होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होंगे, तो वो तो अच्छी बात है ना, तो भाई रिवीजन किस बात का अगर उसमें क्वेश्चन ही रिपीट ना हो तो, ना तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करिए, ठीक, थोड़ा मतलब बुद्धि का प्रयोग करें क्वेश्चंस करने से, मतलब कमेंट करने से पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।